लेट्स कौन से क्वेश्चन पे आए 15 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ओके okay, लास्ट में बैक पेरेल्स वाला हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है राइट एंड डिराइव द लो ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके रेडियो एक्टिविटी डी जो होता है उसका हमें लो डिराइव करना है गॉट इट सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई न्यूक्लियस होता है अनस्टेबल होता है तो वो अपने आप डिसंटीग्रेट हो जाता है डिसइंटीग्रेट होना मतलब फीजन न्यूक्लियर फीजन ऐसा पढ़ा था ना तो वो अपने में से एक में से दो पार्ट बना लेता है उसको हम बोलते हैं डीके क्या बोलते हैं डीके सो so, in रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव सैंपल undergoes alpha beta अल्फा बीटा एंड गामा theory लास्ट थियोरी याद आ रहा है अल्फा बीटा एन गामा डीके के बारे में हमने बात किया था जब किसी न्यूक्लियस से अंदर से टू एच ई फोर का न्यूक्लियस निकल जाता है तो हम उसको अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं कौन सा पार्टिकल बोलते हैं अल्फा पार्टिकल उस डीके को बोलेंगे अल्फा डीके अगर किसी के अंदर से बीटा पार्टिकल्स निकलते बीटा पार्टिकल्स में दो थे इलेक्ट्रॉन या माइ प्लस वन ई जीरो प्रोजिटॉन एक का चार्ज नेगेटिव है दूसरे का चार्ज क्या होता है पॉजिटिव होता है तो प्रोजिटॉन और इलेक्ट्रॉन का एमिशन और गामा में हमने बोला था कोई पार्टिकल का एमिशन नहीं होता है सिर्फ रेडिएशन का एमिशन होता है गामा एमिशन कोई पार्टिकल नहीं होता है देखो और जब कोई पार्टिकल नहीं होता है तो एक्स एक्स ही रहता है सिर्फ उसकी एनर्जी कम होती है क्या कम होती है एनर्जी सो इन एनी रेडियो एक्टिविटीज रेडियो एक्टिव सैम्पल विच अंडर गोस बीटा एंड घामा

उसके प्रपोजनालिटी में वो रेट रहता है जैसे कि मान लो कि अगर एन नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द सैंपल कोई पर्टिकुलर मेटल लेके आए हो आप सैंपल 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम फाइव तो हंड्रेडल हो गया उसके अंदर मान लो कि कितने न्यूक्लियस है एन न्यूक्लियस है एंड डेल्टा एन, एन अंडर गो डी इन अ टाइम डेल्टा डी अगर आपने अभी वो फाइव ग्राम सैंपल रखा है बराबर जिसके अंदर एन न्यूक्लियस है और उसको आप अभी कुछ दस सेकेंड या एक मिनट जितना टाइम देते हो तो डेल्टा टी कितना हो गया टाइम हो गया वन मिनट या वन सेकेंड जितना दस सेकेंड जितना उसके अंदर मानो कि 200 न्यूक्लियस जो है वो डीके हो जाते हैं ब्रेक हो जाते हैं अपने आप तो डेल्टा एन कितना हो गया 200 हो गया तो डेल्टा एन इज अंडर गो डी इन टाइम डेल्टा टी टाइम और एन इज द तो तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर तो द रेट ऑफ डिकेंग रेट ऑफ डिकेंग हम बोलते थे ना रेट ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इन शॉर्ट वेलोसिटी हम बोलते थे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट विल यू गिव तो जब रेट वर्ड आता है तो हम उसको टाइम से डिवाइड करते हैं किससे डिवाइड करते हैं टाइम तो रेट ऑफ डीके रेट ऑफ डीके मतलब कितने नंबर ऑफ डीके हो रहे डेल्टा कितने टाइम में डेल्टा डी उसको डिवाइड करेंगे तो दिस इज रेट ऑफ डिकेइंग ये क्या हो गया रेट ऑफ डिकेइंग और हमने बोला कि अंडर गोइंग द डीके पर यूनिट टाइम इज प्रपोजनल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर दैट मीन्स प्रपोजनल टू एन एंड दिस इज नथिंग बट रेडियो एक्टिव लो रेडियो एक्टिविटी लो ए जो है वो आपका कौन सा लो हो गया रेडियो एक्टिविटी लो बोलो कोई डाउट कन्फर्म ऑनलाइन स्टूडेंट से यहां तक कोई डाउट है आपको ओके चलो अब ध्यान देना When we this design, जब हम माइनस लामड़ा so, so, okay? so, तो लेने वाले क्या लेने वाले हैं, माइनस लामडा क्यू ए मैं समझा रहा हूँ डेल्टा एन जो होता है ना जब भी आप किसी चीज का डेल्टा लेते हो डेल्टा का मतलब होता है चेंज डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज चेंज जब भी फाइन करते फाइनल माइनस इनिशियल सपोज आपके पास इनिशियली एन आई नंबर ऑफ न्यूक्लियस था और फाइनली आपके पास कितने हैं एन एफ तो अगर आप डेल्टा एन करना चाहते हो तो एन एफ माइनस क्या आएगा एन आई फाइनल कितना है माइनस इनिशियल कितना था दैट इज चेंज उसको हम क्या बोलते हैं चेंज अब यहाँ पे डिकेइंग डिकिंग मतलब कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम हो रहा है पहले मानो कि आपके पास सैंपल में फाइव हंड्रेड नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे दो सौ डिके हो गए तो आप कितने बाकी बचेंगे तीन सौ तो आप क्या करोगे तीन सो माइनस फाइव हंड्रेड फाइनल माइनस इनिशियल तो आपको डेल्टा क्या मिला नेगेटिव मिला तो ए टर्म नेगेटिव होगा लेकिन रेट तो पॉजिटिव बताना है कैसा बताना है पॉजिटिव इसीलिए हमने आगे क्या रखा हुआ है माइनस प्रिंटिंग मिस्टेक थी माइनस नहीं था मैंने ऐड कर लिया गॉट इट और लामडा इज द कॉन्स्टेंट जब आप प्रपोर्सनलिटी हटा रहे तो कोई कॉन्स्टेंट आएगा ना तो लामडा इज द कॉन्स्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड डीके कॉन्स्टेंट और डिसइंटीग्रेशन डी के मतलब कि कम होना डिकम्पोजिशन होना डिस इंटीग्रेशन मतलब टूट जाना तो न्यूक्लियस जो थे वो अपने आप टूट रहे हैं डिसंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट बोलो कोई डाउट अप टू नाउ कंफर्म ना ओके okay. अब मानो कि ये जो डेल्टा टी टाइम है जो हमने आगे भी किया था डेल्टा टी याद हो तो आपको इलेवेंथ में सिखाया गया था कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज एवरेज वेलोसिटी विच वेलोसिटी एवरेज बट हमने बोला था कि अगर मुझे इंस्टीनियस वेलोसिटी वी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये जो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है ना उसको लिमिट लगाना पड़ेगा पता है ऐसा कर रहे हम 11th 0, थे हम इलेवेंथ में लिमिट डेल्टा डी टेंस टू जीरो लगाते थे तो फिर ये डेल्टा जो है ना वो डी में कन्वर्ट हो जाता था क्या बन जाता था डी एक्स बाय डी वैसा ही यहाँ पे कर रहे हैं कि इफ द टाइम पीरियड डेल्टा टी क्रॉस टू जीरो लिमिट डेल्टा डी टेंस टू का जीरो मतलब है कि ये जो टाइम पीरियड है डेल्टा टी वो ऑलमोस्ट जीरो हो रहा है कितना हो रहा है जीरो तो अगर हम इसको जीरो डेल्टा डी टेंस टू जीरो लगा दे तो वो क्या बन जाएगा डेल्टा का डेल्टा की जगह पे क्या बन जाएगा डी एन डी एन बाय डी टी और देखो यहाँ पे माइनस नहीं था ना वो माइनस एक्चुअली में था ही लेकिन लिखना भूल गए थे प्रिंटिंग मिस्टेक थी और इसीलिए माइनस कैसे आया वो भी समझ में आया ना कि डेल्टा एन बाय डेल्टा डी को पॉजिटिव बनाना है बट डेल्टा एन इट क्या है नेगेटिव तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने आगे क्या लिखा माइनस नेगेटिव साइन लिखा तो माइनस फिर ये माइनस आगे दे देते तो ये रहा माइनस और ये लामडा एन क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो माइनस डी एन बाई डी टू लामा एन में आया कोई डाउट ओके वेर डी एन इज वॉट डी एन इज द चेंज इन नंबर एन एन नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे उसके अंदर कितना चेंज हो रहा है तो डी एन डेल्टा भी चेंज ही बता रहा होता है डी भी चेंज ही बता रहा होता है लेकिन जब काफी लंबा टाइम लेते हैं डेल्टा टी तो डेल्टा एन आता है ट्राइंगल वाला डेल्टा और जब बहुत ही कम टाइम लेते हैं माइक्रोसेकेंड्स में हो सके उतना जीरो के दंधी तब कौन सा वर्ड आ जाता है चेंज के लिए डेरिवेशन का डी आ जाता है समझ में आया विच वी इज विच में बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो डी एन है पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है लेकिन हमारे केस में वो नेगेटिव होगा क्यों क्योंकि कम हो रहे है, कभी बढ़ने वाले नहीं है रेडियो वाले, वाले क्या होगा बिकॉज एज टाइम गोज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेनिंग विल डिक्रीज इनिशियली 500 होते हैं फिर 50 निकल जाएंगे 400 हो जाए फोर हंड्रेड हो जाएगा फिर वापस फिफ्टी निकल जाएंगे 400 हो जाएगा तो धीरे-धीरे धीरे-धीरे नंबर ऑफ न्यूक्लिअस क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहा है एंड दैट्स व्हाई हमारे लिए वो डीएन uh, जो है वो ऑलवेज क्या होगा नेगेटिव राइटिंग द अबव इक्वेशन एज़ फॉलो अब हम क्या करेंगे माइनस तो रहेगा ही रहेगा माइनस लिखना भूल गए माइनस ए डीटी को उधर भेज देते हैं और एन को इधर ले आते हैं समझ तो में आया हाँ या ना तो ये आपका इक्वेशन हो गया माइनस डीएन बाय एन और ये जो डी था वो मल्टीप्लीकेशन में चला लिया गया किसके साथ लमड़ा के साथ तो माइनस डी एन बाई एन इक्वल टू क्या हो गया, क्या हो गया? अब मैं क्या कर रहा हूँ साइड इंटीग्रेशन कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ इंटीग्रेशन तो देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे अब ये माइनस को कभी इधर कभी उधर कर देंगे तो ये माइनस को इधर भेज दिया है गौरी? अब पहले से ही उधर रहने दो तो चलेगा हाँ यहाँ पे हमने इसको माइनस लामड़ा एन बोला था फिर आप इसको क्या करोगे लिमिट लगाओगे तो क्या बन जाएगा डी एन बाई डी टी तो माइनस सामने ही रहने दो माइनस लामड़ा एन इट फिर डी टी को उधर ले जाओ एन को नीचे ले आओ तो डी एन बाई एन इक्वल टू तो माइनस लामड़ा तो था ही था इधर ए डी टी मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा समझ तो में आया अब इसी को हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डी एन बाई एन को इंटीग्रेशन लगा रहे हैं ओके माइनस लामड़ा डीटी को माइनस लामडा कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से कहा जाएगा बाहर अब इंटीग्रेशन सिर्फ किसको लगेगा डी को तो इंटीग्रेशन का सिंबल एंड डीटी गॉट इट इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं प्रॉपर इंटीग्रेशन इम इंटीग्रेशन प्रॉपर इंटीग्रेशन मतलब लिमिट रखते हैं हम समझ में आया और इमप्रॉपर इंटीग्रेशन में सिर्फ इंटीग्रेशन करते हैं कोई लिमिट रखते है? नहीं है तो ये जो इंटीग्रेशन है वो डी टी मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में है किसके रिस्पेक्ट में है इंटीग्रेशन के अंदर डी है मतलब कि वो नंबर के रिस्पेक्ट में है किसके रिस्पेक्ट में है नंबर तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसी की लिमिट आती है समझ में आया तो यहां पे टाइम की लिमिट मानो कि जीरो से लेके हम टी तक करने वाले कहा इंटीग्रेशन करने वाले टी। तो जीरो से टी। तो से लेके अब ये सोचना है कि टीव टू जीरो पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे तो सपोज वो कितने थे एन जीरो इनिशियली टीवस टू जीरो मतलब इनिशियल टाइम इनिशियल टाइम पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे बोलो एन जीरो कितने थे एन जीरो और टी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं एन तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ एन जीरो से एन और वहां पे इंटीग्रेशन हुआ जीरो से T. टी गॉट इट समझ में आया या तक अब आगे बढ़ते टी क्वस टू जीरो द नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्ली ऑफ रेडियो एलिमेंट इज एन एंड एट द टाइम टी इक्वल्स इज एन जो अभी हमने लिखा था ना मैंने बताया था यहाँ पे इनिशियली टाइम पे एन जीरो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है और टी टाइम पे खत्म होते 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 कितने हो गए एन ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऐसे न्यूक्लियस है जो हैवी न्यूक्लियस है और खुद अनस्टेबल है इसलिए खुद ब खुद खुद ब खुद टूट रहे हैं ब्रेक हो रहे है. अपने में से अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल या घामा का क्या कर रहे है रेडिएशन क्या कर रहे हैं रेडिएशन खुद ब खुद निकाल रहे हैं इट और इसीलिए उनका जो नंबर एन जीरो था धीरे धीरे करके वो कहां पर पहुंच गया एन पर और टाइम जीरो से लेके तब तक कितना हुआ था T. अब इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे क्या परफॉर्म करेंगे इंटीग्रेशन तो मैथमेटिक्स में ऐसा इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है 1 x into dx x के रिस्पेक्ट में अगर वन अपन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं ना तो एल एन एक्स नेचुरल लॉग ये एल एन मतलब नेचुरल लॉग होता है सर so लॉग दो टाइप के होते हैं बेटा हेलो जी लॉग पता है ना एक लॉग बेस ई होता है और एक लॉग बेस टेन होता है जनरली हम वैल्यू में लॉग बेस टेन फाइंड करते हैं और जब भी कोई फार्मूला वगैरह मैथमेटिक्स में आता है तो ये लॉग बेस ई होता है इसको एल बोलते हैं नेचुरल लॉग कौन सा लॉग बोलते हैं नेचुरल लॉग और ए जो ई e है ना उसका मैथमेटिक्स में वैल्यू है टू पॉइंट वन में वो फिजिक्स वाला वैल्यू नहीं रखना है क्रॉस टू माइनस जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कुलम ऐसा नहीं रखना है गॉट इट ये मैथमेटिक्स का वैल्यू है टू पॉइंट 718. इतना इंफॉर्मेशन दिमाग में डाल दिया ओके okay? हमें तो इतना ही याद रखना था वन अपन एक्स इन डी एक्स क्या होना चाहिए तो लाइक वाइज बेटा ये एन थान का मतलब क्या होगा वन अपन एन इंटू डी एन और उसके आगे क्या है इंटीग्रेशन क्या है तो उसका क्या हो जाएगा जैसे एल एन एक्स हुआ था तो इसका क्या हो जाएगा एल एन एन ओके और लिमिट एन जीरो से लेके एन वो दोनों लिमिट नीचे आ गई एन जीरो से एन लाइक वाइज माइनस लामड़ा अब इसके अंदर कुछ नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर कुछ नहीं है जब इंटीग्रेशन डी एक्स होता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स आंसर आता है वैसे इंटीग्रेशन डी टी होगा तो टी के रिस्पेक्ट में क्या आंसर आएगा टी तो अंदर कुछ भी नहीं है इंटीग्रेशन डी टी है तो आंसर क्या हो जाएगा टी क्या हो जाएगा टी और लिमिट जीरो से लेके कहा तक टी तक जीरो से लेकर कहा था टी तक ए वन बाय मिस्टेक था तो इसलिए मैंने उसको करेक्ट कर दिया था टी जीरो से लेके कहा तक टी तक तो यहाँ पे जीरो आएगा और जीरो से लेके टी तक तो वन में आया अब हम क्या करेंगे सबसे पहले अपर लिमिट आती है आपने इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में किया था लेफ्ट हैंड साइड एन के रिस्पेक्ट में तो ये इसके अंदर जहां पे भी एन दिखता है ना वहां पे ऊपर वाला लिमिट तो ए एन की जगह पे हमने ऊपर वाला लिमिट रखा एल एन एन वॉट इट फिर नीचे वाला लिमिट एल एन एन की जगह पे क्या रखेंगे तो एल एन एन जीरो और अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में क्या आएगा सिमिलर वे माइनस लामडा तो कॉन्स्टेंट है ही है यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में किया था अपर लिमिट अपर लिमिट लिमिटी है तो टी माइनस जीरोन एन माइनस एल एन एन जीरो एन माइनस एन जीरो मतलब कि सब्स्ट्रेक्शन होगा तो एल एन एन ओवर एन जीरो माइनस लामड़ा टी माइनस जीरो को क्या बोलेंगे टी क्या बोलेंगे टी गॉट इट तो माइनस लामा टी यहां तक क्लियर हुआ सबको ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके आरती ऐश्वर्या बस दो ही? लक्ष्मी Tin, tini, kaus tub, kaus ओके okay, चलो तो ए एल एन है मैथमेटिक्स में ऐसा फॉर्मूला है एल एन वाई इक्वल्स टू अगर एक्स है एल एन वाई इक्वल्स टू क्या है मतलब कि अगर आप वाई का नेचुरल लॉग करते हो तो आपको आंसर क्या मिल रहा है एक्स तो मुझे वाई अकेला चाहिए ना तो एल एन मतलब कि लॉग बेस ई था तो ये जो ई e था ना उसके पावर में चला जाएगा ई रेस टू एक्स समझ में आया अगर मैं एल एन वाई इक्वल्स टू एक्स है अगर मैं वाई का वैल्यू रखना चाहता हूँ एल तो एन मतलब लॉग बेस e तो सामने वाला किसके पावर में चला जाएगा e लाइक वाइज एन एन और एन जीरो पता है ना आपको मैथमेटिक्स का फॉर्मूला था ए बी कि आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था लॉग पहले पढ़े ओल्ड सिलेबस में आता था अब तो लॉग एम चैप्टर नहीं आता है नाइन्थ स्टैंडर्ड में बट ये चीज याद रखो कि अगर लॉक का सब्स्ट्रैक्शन है क्या है सब्सट्रैक्शन तो लॉक का डिवीजन हो जाता है क्या हो जाता है डिवीजन देखो एल एक ही बार लिखा है ना यहाँ पे आएगा एलेन

टी अगर आप किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिएग्रेट कॉन्स्टेंट को जानते हो को जानते हो, को जानते हो तो आप टीवल टू मानो कि टेन सेकंड के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो गए बाकी वो पता कर सकते हो थ्रू दिस इक्वेशन मानो कि आपको पता है कि थाउजेंड न्यूक्लियस हमने लिए है इनिशियली कितने न्यूक्लियस लिए है थाउजेंड अगर आपको दिया गया है ट्वेंटी सेकंड के बाद कितना न्यूक्लियस होगा तो आप यहाँ पे थाउजेंड रखोगे यहाँ पे कितना रखोगे ट्वेंटी सेकेंड यहाँ पे डीके कॉन्स्टेंट का वैल्यू रखोगे ये सबको सिंपलीफाई करोगे ई e का तो वैल्यू आपको पता ही है ना टू पॉइंट सेवन वन एट उसका पावर लेके सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा एन और इस लो को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके लो इट इज द एक्सपोडेंशियल लो एक्सपोडेंशियल लो कब बोलते हैं जब कोई ई e के पावर में आता है किसके पावर में आता है ई e के पावर में आता है तो इस लो को हम कौन सा लो बोलेंगे एक्सपोटेंशियल लो एंड फॉलोज द लो ऑफ रेडियो एक्टिव डीके Decoy, इसी को इसी एक्सपोनेंशियल क्या करता है? फॉलो करता है तो हमने डिराइव किया पहले लो लिखा स्टेटमेंट लिखा मैथमेटिकल फॉर्मेट चलते गए लिमिट लगाया, फिर इंटीग्रेशन किया दोनों से एंड देन सिंप्लीफाई करके लो हमने प्रूव किया तो चलो किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट से बता दीजिए अप टू नाउ कोई डाउट कंफर्म ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कमेंट आने चाहिए okay. और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी क्या करना है रिप्रेजेंट करना है तो एक्चुअली में हमने अभी एक इक्वेशन पढ़ा याद रहेगा ना वो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा एन इक्वेस लामी तो इसको हमें वाई एक्सिस पे लेना है किस पे लेना है

Y versus X. सबसे पहले किसका नाम देना चाहिए Y का. And then, X का. का X समझ में आया या तक? अब देखो बेटा, जब भी ये e फंक्शन है ना e जब भी आता है तो आपका ग्राफ का सेप जो है वो बन जाता है हाइपरबोला इस ग्राफ का सेप कौन सा आता है हाइपरबोला ओके okay? अगर देखो y इक्वल्स टू mx प्लस सी टाइप इक्वेशन होता है कहीं ना कहीं मैंने सिखाया है तो ए ग्राफ आपका हो जाता है ऐसे स्ट्रेट लाइन क्या हो जाता है स्ट्रेट लाइन लेकिन जब e का पावर होता है एक्सपोडेंशियल फंक्शन आता है तो ग्राफ हो जाता है हाइपरबोला दिस सेप इज नोन एज हाइपरबोला समझ में आया ऐसा सेप अगर आप ए वाला सेप लेते हो ना दिस वन दिस इज नोन एज पैराबोला मुड़ जाएगा ओके तो वाई इज प्रपोजनल टू एक्स स्क्वेर वाला जब भी आता है ना वाई वाई का इक्वेशन सामने कोई भी के एक्स स्क्वायर प्लस या ए एक्स स्क्वास प्लस सी टाइप का हो ना तब जाके पैराबोला सेप हो जाता है कौन सा सेप हो जाता है और जब वाई इक्वेस टू एम एक्स प्लस सी टाइप हो तो स्ट्रेट लाइन वैसे अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो हाइपरबोला कौन सा से हाइपरबोला वैसे ये जो है ना ये दो दो जो है वो कभी एक्सिस को पैरेलल हो जाते हैं लेकिन कभी एक्सिस को इंटरसेक्ट करते नहीं है फिर भी हमें तो इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि एक ग्राफ में हम टाइम टू क्या लेंगे जीरो तब हमारे पास कुछ वैल्यूज होगी नंबर ऑफ न्यूक् वो कितनी है एन कितनी है कितनी और फिर ए ऐसे कम होता जाएगा समझ में आया और देखो यहाँ पे हमें टच नहीं करना है जो मेथड मैंने बताई वो याद रहेगी ना हाइपरबोला सिर्फ कभी भी एक्सिस को टच करता नहीं है लेकिन ये स्टार्ट होगा वहां पे तब भी तो हमारे पास कुछ होगा ना टी वस्तु जीरो टाइम से स्टार्ट होगा ना ये इसलिए हमने आप इसको टच करवाया लेकिन आगे जाके टच होगा नहीं धीरे धीरे करके मानो कि ये टी हाफ टाइम टी हाफ मतलब आधा होने का टाइम तो ये टी हाफ टाइम पे पहले कितना होगा एन जीरो का कितना हो जाएगा एन जीरो बाई टू आधा हो जाएगा फिर वापस अगर आपने डबल टी हाफ टाइम लिया तो इसका आधा होगा एन जीरो बाई टू का आधा कितना हो जाएगा वापस आपने अनदर हाफ टाइम लिया तो इसका आधा हो जाएगा कितना फिर अगेन आपने टी हाफ टाइम दिया तो कितना हो जाएगा ऐसे वो कम होते होते देखो पहले बहुत ज्यादा कम हुआ एन जीरो में से एन जीरो बाई टू होना मतलब कि चेंज होना एन जीरो बाई टू लेकिन एन जीरो बाई टू में से एन जीरो बाई फोर होना मतलब कि चेंज होना सिर्फ एन जीरो बाई फोर समझना है ना आप इसका सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन करोगे ना एन जीरो बाई टू माइनस एन जीरो बाई फोर तो आपको आंसर कितना मिलेगा एन जीरो बाई फोर तो देखो पहले सेम टाइम में ये देखा सेम सेम टाइम है देखा आपने तो पहले काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ हुआ कि नहीं और फिर जो डिक्रीज हो रहा है वो बिल्कुल कम कम हो रहा है देखा हाइया ना ए वर्टिकल में ऐसे कम डिक्रीज हो रहा है पहले देखो वर्टिकल में कितना ज्यादा डिक्रीज हुआ फिर थोड़ा कम फिर थोड़ा कम ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप चाहे जितना भी ज्यादा टाइम दो बहुत ज्यादा कम होने वाला नहीं है इसीलिए वो कभी जीरो नहीं होगा गॉट इट बोलो कितने लोगों को समझ में आया मैंने अभी तक थ्योरी स्टार्ट नहीं किया सिर्फ ग्राफ को एक्सप्लेन किया बोलिए गुड अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द रेडियो एक्टिव सैंपल डिक्रीजिस एक्सपोनेंशियली विद टाइम टाइम के साथ वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द डिसंटीग्रेशन अकर्स क्विकली बिगिनिंग ऑफ द सिचुएशन जल्दी से डिस इंटीग्रेशन हो रहा है क्विकली डिस इंटीग्रेशन हो रहा है देखा आपने मैंने बताया ना कि देखो सेम टाइम टाइम ड्यूरेशन हमने सेम दिया है लेकिन पहले ग्राफ बहुत नीचे आ गया देखा फिर धीरे धीरे करके कम 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 होता जाता है है ना तो इनिशियली डिक्रीज जो है वो क्विकली होता है एज टाइम गोस ऑन धीरे धीरे हो जाएगा मतलब स्लोली डिक्रीज होगा एंड दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉन एज डिकेव इन हम क्या बता रहे इस ग्राफ के थ्रू डिकेइंग ऑफ न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इसलिए इस ग्राफ का नाम भी क्या बन गया डिके कव फ्रॉम द ग्राफ वन कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन एन हाफ लाइफ इस ग्राफ से हम क्या फाइन कर सकते हैं एक तो रेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन रेट ऑफ डिस होता है माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा टी पता है ना नेगेटिव क्यों था क्योंकि हमने आगे क्या रखा था माइनस चाहे इस साइड रखो चाहे इक्वेस्ट टू करके लंबा एन की साइड रखो सेमी है तो इसको हम रेट बोलते हैं या तो फिर डी एन बाई डी टी भी लिख सकते हो उसकी जगह पे इसको हम रेट बोलते हैं तो रेट ऑफ डिसग्रेशन मतलब कि की चीज फाइंड कर सकते हैं या तो फिर दूसरा क्या फाइंड कर सकते हैं हाफ लाइफ हाफ लाइफ मतलब वो पता है ना टी हाफ लिखा हुआ था अभी ग्राफ में टी के बाद हाफ आधा होने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस थाउजेंड है तो फाइव हंड्रेड होने में कितना टाइम लगेगा जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियस लिए है उसके हाफ होने में कितना टाइम लगेगा उसको हम कौन सा टाइम बोलते हैं हाफ लाइफ बोलते हैं तो ये दोनों चीज हम ग्राफ पे से फाइंड कर सकते हैं

Time. Type of radioactive, radioactive substance. Radioactive substance को कौन सा है उस पर ध्यान देना नहीं है ये जो एंटायर डी के मानना है कि अगर इनिशियली आपके पास थाउजेंड न्यूक्लियस है कितने न्यूक्लियस है थाउजेंड मानो की टीहा जो है वो दस मिनिट है कितनी है दस मिनट तो आप मानोगे की दस मिनिट के बाद फाइव हंड्रेड हो जाएंगे और नेक्स्ट दस मिनट के बाद जीरो हो जाएगा तो वो गलत हाँ कितना होगा टू फिफ्टी हो गए ए अब इनिशियल हो गया तो अब टू फिफ्टी हो गए वापस ओके इट okay? तो इस तरह से चलता जाएगा फिर सिक्सटी टू पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टू फिर जो आंसर आता है डिवाइड बाई टू फिर जो आंसर आता है डिवाइड बाई टू ऐसे चलता जाएगा जीरो होने वाला नहीं है लास्ट में कोई क्वांटिटी ऐसी भी तो आएगी ना जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो 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 फिर दो तीन नंबर आएंगे बात समझो इट्स अ लॉन्ग डिवीजन जीरो आने वाला नहीं है एंड इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे इसीलिए मैंने इस ग्राफ को यहाँ पे टच करने को मना करवाया मैं देख गया अगर एक ग्राफ टच हुआ है तो आंसर आपका गलत मतलब कि मार्क्स कटेगा समझ में आया तो हमें ये गलती करनी नहीं है बहुत ही कम टीचर्स वहां पे फोकस करेंगे मैंने सिखा दिया आपको गलती करनी नहीं है बोलो कोई डाउट दो क्वेश्चन में नहीं ना ओके नेक्स्ट एक्सप्लेन द एंड राइट डाउन इट्स डेफिनेशन डीके कॉन्स्टेंट को एक्सप्लेन करना है और उसका डेफिनेशन लिखना है तो फ्रॉम द लो ऑफ रेडियो एक्टिव डीके अभी हमने देखा था रेडियो एक्टिव डीके का लो हैदर आप ऐसे लिख सकते हो माइनस डी एन बाई डी टीवल टू क्या लिख सकते हो भेज दे तो डीएन माइनस एन इज नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियन इन दी टी टाइम में कितने, कितने बाकी है जो डीके हुए नहीं है दैट इज एन एंड लामडा इज रेडियो एक्टिव कॉन्स्टेंट और डीके कॉन्स्टेंट राइटिंग दिस इक्वेशन एस फॉलो अगर मुझे लामड़ा चाहिए तो मैं क्या करूंगा ए माइनस पहले उधर दे दूंगा और फिर एन से डिवाइड कर लूंगा तो माइनस डी एन बाई डी टी ओवर क्या हो गया एन किसका किसका फॉर्मूला बना दिया हमने लामडा क्योंकि हमें पूछा गया था डीके कॉन्स्टेंट को क्या करना है एक्सप्लेन इसलिए हमने डी के कॉन्स्टेंट का ये फॉर्मूला बना दिया तो डीके कॉन्स्टेंट का यहाँ से डेफिनेशन क्या बन जाएगा तो दिस इज नथिंग बट रेशियो आया ना डिनो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर रेशियो है कि नहीं है तो हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ डिकेंग याद है ना बताया था कि नहीं और माइ डी आ रहा है डी मतलब इंस्टेनियस जैसे मैंने बताया था ना कि एवरेज वेलोसिटी हो तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आता है बट सिर्फ इंस्टेनियस वेलोसिटी हो तो डी एक्स बाय डी टी आता है इलेवंथ में पढ़े कि नहीं पढ़े हम तो वैसे ए जो रेट है वो कौन सा रेट होगा इंस्टेनियस रेट ऑफ विस इंटीग्रेशन फॉर द गिवन इंस्टेंट एंड नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियर दोनों का रेशियो किसका रेशियो दो लोग दो चीज का कौन सी दो चीज तो पहले है डीएन बाई डी टी मतलब की n मतलब क्या है? तो अगर आपने यहाँ पे इक्वेशन पढ़ा और इक्वेशन से फिर लामड़ा का इक्वेशन बना दिया तो डीएन बाई डी टी ओवर एन आपको एक रेशियो मिलेगा क्या मिलेगा रेशियो रेशियो किसका मिलेगा तो रेशियो ऑफ इंस्टेनियस रेट डी एन बाई डी मतलब इंस्टेनियस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड नीचे एन है एन मतलब की नंबर ऑफ अन डीके न्यूक्लिय एट द टाइम इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट उसको हम क्या बोलते हैं डीके कांस्टेंट और रेडियोएक्टिव कांस्टेंट मैथमेटिकली अगर बोलना हो ये तो हो ही गया बट दूसरी तरह से अगर बोलना हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटीग्रेशन यूनिट टाइम ऑफ एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव कॉन्स्टेंट देखो प्रोबेबिलिटी में भी रेशियो आता था पता okay? तो कितने हो रहा है तो इंटीग्रेशन हो रहा है बाई बाई तो टोटल जितने न्यूक्लियस हो, तो हो उतने ही ना तो नीचे टोटल न्यूक्लियस एन है इसलिए इसको दूसरा कुछ नहीं बट प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं

आउटकम तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी बट नीचे अभी भी dt है तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम dt मतलब टाइम तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव कांस्टेंट तो समझ में आया डेफिनेशन दोनों डेफिनेशन पूछे तो आएगा हां या ना जल्दी से बोलो ध्रुव ओके आरती लक्ष्मी कौस्तुभ ऐश्वर्या गुड हित भी नहीं है सिवान नहीं है ओके okay, चलो ध्यान दो डिफाइन द डिफाइनग्रेशन रेट और ऑफ सैंपल एंड द रिलेशन आर इक्वल्स टू लांबडाइन एंड डिफाइन इट्स डिफरेंट यूनिट्स अलग अलग यूनिट्स को हमें डिफाइन करना है सो द नंबर ऑफ डिस इंटीग्रेशन न्यूक्ली पर यूनिट टाइम रेडियो एक्टिव सैंपल इज कॉल्ड डीके रेट और रेडियो एक्टिविटी आर समझना हमें डिस इंटीग्रेशन रेट को समझाना है जिसको हम डिसन रेट बोलते हैं ना बेटा जिसको अभी हम बोल रहे थे ना डी एन बाई डी टी रेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन या डिस इंटीग्रेशन रेट उसी को हम क्या बोल सकते हैं रेडियो एक्टिविटी ऑफ सैंपल क्या बोल सकते हैं रेडियो एक्टिविटी ऑफ सैंपल और फिर वहां से हमें कौन सा रिलेशन फाइंड आउट करना है आर रिक्वेस्ट टू बहुत सिंपल है तो देखो सबसे पहले आंसर का पहला पॉइंट कि नंबर ऑफ पॉइंटीग्रेशन पर न्यूक्लियर सॉरी नंबर ऑफ डिस पर हम पता है डीएन बाई डी टी करते थे इसको वर्ड में लिख रहे हैं नंबर ऑफ डिस इंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मतलब कि डीएन पर यूनिट टाइम मतलब डेटी से हमें उसको डिवाइड करना है इनर रेडियो सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकेरेट और रेडियो एक्टिविटी उसी को हम क्या बोल सकते हैं डीकेरेट या तो फिर उसका दूसरा नाम है रेडियो एक्टिविटी इफ रेडियो एक्टिविटी सिंपल कंटेंस हाउ मच न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इन अ टाइम टी देखने यहां पर होना चाहिए ओके okay, ये भी चलेगा द रेडियो एक्टिव सैंपल कंटेंट हाउ मेनी न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इन अ हाउ मच टाइम

हमें पता है कि इनिशियली न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं जैसे जैसे वो डिस इंटीग्रेट होते जाएंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता जाएगा कम इसलिए आगे हमें यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा फ्रॉम द लो ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके हमने ये भी पढ़ा माइनस लामडा एन डी माइनस सॉरी माइनस डी एन बाई डी टी प्रपोजनल टू एन मतलब माइनस डी एन बाई डी टी वस्तु क्या हो जाएगा लामडा एन हो जाएगा प्रपोजनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा लामडा और ए माइनस डी एन बाई डी टी की जगह पे दूसरा क्या रख सकते हैं तो क्या रखेंगे आर तो हमारा क्या प्रूव हो गया फॉर्मूला आर इक्वल टू लामा एन बोलते थे ना उसी को हम एक्टिविटी बोलेंगे और आर लिख देंगे क्या लिख देंगे फॉर्मूला हमने डिराइव किया था लास्ट में आर इक्वल एन इक्वल टू एन जीरो इन टू रेस टू माइनस लामडा टी एन इक्वल टू एन लो ओके अब हम क्या करेंगे विच इज अनदर फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके लो एंड ओके इन लोगों ने कहा से कर लिया ये चीज चलो मैं बताता हूं अब मैं इसको क्या कर रहा हूं बेटा माइनस डीएन बाई डीटी क्या कर रहा हूं माइनस डीएन बाई डीटी तो मतलब ये मैं इसको इंटीग्रेशन कर रहा हूं पहले एक काम कर रहा हूं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं डी डी बाई डी टी से तो इसको भी मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर मैंने यहाँ पे डी बाई इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ सॉरी मैं मिस्टेक डेरीवेट कर रहा हूं तो मैंने जिसको जैसे इस एन को डी बाई डी टी लगाया तो वैसे इस टर्म को भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा डी बाई डी टी एन जीरो ई रेस्टू माइनस लामडा टी इट अब ये जो एन जीरो है वो कॉन्स्टेंट है क्या है कॉन्स्टेंट इट डी बाई डी टी ई टू वॉट माइनस लामडा टी तो चलो एन जीरो यहाँ पे आ गया है ना e टू माइनस लामा टी माइनस लामेगा माइनस में क्या होता है मैं समझा रहा हूं. कि इंटीग्रेशन जो होता है उसका डेफिनेशन ऐसा है कि अगर एक्स रेस्टू एन पावर है कितना पावर है एक्चुअली e ई रेस्टू एक्स लेता हूँ एक्स है ना तो ई रेस्टू एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो e रेस्टू एक्स ही होगा क्या होगा ई e रेस्टू एक्स ऐसा इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है आपको याद रखना है डेरिवेशन का सॉरी नॉट इंटीग्रेशन डेरिवेशन मुझे यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ तब से ये प्रॉब्लम हो गया लेट मी कंक्लूड फ्रॉम ओवर हियर अगेन कहीं ना कहीं मैं भी बोलने में गलती कर रहा हूँ

मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है कि अगर डी बाई डी डी बाई डी एक्स ई रेस्टू एक्स ये एक्स पावर में है एक्स फंक्शन ई के पावर में है और एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन हो रहा है तो आंसर ई रेश टू एक्स ही रहता है क्या रहता है ई रेस टू एक्स वैसे यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट डेरिवेशन हो रहा है और यहाँ पे पावर में भी टी है ये तो कांस्टेंट था तो कांस्टेंट तो बाहर निकल गया तो ई रेस्टू माइनस लामडा टी का डेरिवेशन कैसा रहेगा ई रेस्टू माइनस लामडा टी लेकिन यह बेटा एक्स था वापस एक्स का मल्टीप्लीकेशन में एक्स का भी डेरिवेशन होता है तो एक्स का डेरिवेशन होता है इसलिए लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस लामी तो माइनस और का डेरिवेशन क्या होता है one. इसलिए इसको लिखना जरूरी है तो अब क्या बना पता है माइनस लामड़ा लामा लामड़ा इंटू वन माइनस लामड़ा हो गया माइनस लामड़ा इंटू एन जीरो लामड़ा एन जीरो अंदर नहीं है ये जो स्टेप नहीं है वो आपको में लिखने हैं ताकि आपको समीएन तो बाई डी टी, टी, मैं टी मैंने जैसे इसको माइनस कर दिया है माइनस था वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो लामा एन जीरो टी. बना आपका इक्वेशन और ये माइनस डी एन बाई डी टी को ही हम आर बोलते हैं पता है ना आपको

तो अनदर फॉर्म हो गया एंड इसको दूसरी तरह से अगर बोलना हो तो आर की जगह पे मैं दूसरा क्या बोल सकता हूं एम क्या बोल सकता हूँ एम और ए लामडा इन टू एन जीरो है उसको मैं बोल सकता हूं एम जीरो क्या बोल सकता हूं तो ए हो गया एम इक्वल टू एम जीरो ना दैट इज नथिंग बट मास एम जो मैंने लिखा वो मास एक्चुअली इस लो से नहीं आया वो यही से आया देखो अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन है

क्या हो गया? N0. MCQ में काफी काम आता है आपको रेडियो एक्टिविटी दिया जाता है रेडियो एक्टिविटी मतलब किसका वैल्यू दिया गया आर जीरो का आपको एन जीरो दिया जाता है इनिशियल कितने न्यूक्लियस है और आपको बोला जाता है कॉन्स्टेंट फाइंड करो तो आप किसको फाइंड करोगे लामड़ा को

ओके okay. ये जो आर है उसको हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक नेम एंड दैट नथिंग बट एक्टिविटी तो तीनों फॉर्म्स आ गए फॉर नंबर फॉर मास एंड फॉर तीनों फॉर्म्स लोके समझ में आए हाई या ना अब बोलो कोई डाउट हो तो बोलो यहां तक हम आज रखने वाले हैं कोई डाउट है तो बोलिए फटाफट से नहीं है ना ओके okay. अब देखो जैसे ए लास्ट वीक है वैकेशन का ओके okay.